हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के अभी 6 बजे है और अभी मैं आज जो है ना सारे माल को आज गिनती कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। इधर भी बहुत सारा माल है, कह सकते हैं, और पूरा भरा हुआ है और इधर भी पूरा है। तो आज सारे माल को गिनती करते हैं कि टोटल माल कितना है हमारे पास। तो अभी दोस्तों चारों तरफ का गिनती कर लिया, बीच में का इधर गिनती करना है और ये सब अभी पूरा बाकी है। तो गिनती करते हैं और चारों साइड का जो है ना इसमें कैरेट में का गिनती कर लिया हूँ। देखते हैं यहाँ पे हो गया है, गिनती करके अभी लिख रहा हूँ, बाद में सारे को हिसाब करेंगे। तो चलिए अभी दोस्तों अभी जो बाकी है इसमें से करते हैं गिनती और उसके बाद ये वाला करेंगे गिनती। तो सारे गिनती करके हांजी दोस्तों, हमने सारे माल को गिनती कर लिया, गिनती करके और लिख लिया हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं। और टाइम मुझे लगा लगभग 1 घंटा। अभी चलते हैं दोस्तों, सारे को हिसाब करते हैं, हिसाब करके फिर देखते हैं हमारे पास कितना माल टोटल है बचा हुआ। तो फाइनली दोस्तों हमने सारे माल को हिसाब कर लिया, हमारे पास टोटल माल देख सकते हैं हिसाब कर लिया है 34,000 का दोस्तों टोटल माल है हमारे पास में, और 1,000 कैश है तो 35,000 मान सकते हैं। तो 35,000 है हमारा आज 1 सितंबर 2024, और इससे पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने के 1 तारीख को तो कितना था। तो चलिए दोस्तों कॉपी देख करके बताते हैं। हाँ दोस्तों, हमने कॉपी देख लिया, कॉपी देख लिया हमने 1 तारीख को, अगस्त के 1 तारीख को हमारे पास टोटल 25,700 था टोटल माल और कैश मिला करके, और अभी हमारे पास है 35,000 माल और कैश दोनों मिला करके। और हमको और नहीं जानना है कि अगस्त महीने में कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, ये जानने के लिए हमने माइनस प्लस सारा किया हूँ। तो हमारा 61,000 का माल हमने सेल किया है अगस्त महीने में, 61,000 का सेल करके 19,500 रुपया इनकम किया है। और खर्च की बात करें तो दोस्तों पेट्रोल वेस्ट्रोल नाश्ता वास्ता मिला करके 3,000 के आसपास हमारा खर्च हुआ है। तो 19,500 में से 3 माइनस करेंगे तो 17, 18, 19 यानी कि 16,000 रुपया, 16,500 रुपया बचा, बचाने को 16,000 तक बचा सकते हैं। हमने 19 दिन काम करके इतना दोस्तों किया है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा हमारा 10,000 प्लस खर्च हो गया है इस महीने में। होम नीड से लेकर के पेट्रोल नाश्ता और इधर उधर भी जरूरी खर्चा में भी खर्च हो गया है, तो ज़्यादा खर्च हो गया है। लेकिन अगर बचाना चाहे तो 19,000 में 16,500 तक बचा सकते हैं पेट्रोल नाश्ता काट करके। ये हमारा अगस्त महीने का अर्निंग हुआ, सेल हुआ। दोस्तों बार बार हिसाब करना भी ज़रूरी होता है, एक महीना पर तो हम करते ही हैं, बीच बीच में भी करते हैं, तो हफ्ता में सही रहता है, हफ्ता में सही रहेगा तो हफ्ता में तो रहेगा, पर महीना में भी करेंगे और 10 दिन पर करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि हाँ इनकम हो रहा है कि नहीं। जो हम बदलाव करना चाहेंगे महीने दिन में, वो अगर 10 दिन पर अगर हिसाब करते हैं तो 10 दिन में ही बदलाव कर सकते हैं अपने प्लान में। बार बार हिसाब करते रहेंगे तो और भी मोटिवेट होते रहेंगे कि आपको मालूम पड़ता रहेगा कि कितना का अर्निंग हो रहा है, कितना का सेल हो रहा है, तो आप उस हिसाब से मोटिवेट होकर के और काम में थोड़ा स्पीड ला करके और तेज़ी से काम करके अर्निंग और सेल बढ़ा सकते हैं। मैं महीने के लास्ट में हिसाब करता हूँ, कभी कभी बीच में करता हूँ, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि 10 दिन पर हिसाब करें और 10 दिन का अर्निंग और सेल देख करके उसके हिसाब से सेल और अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारा अगस्त महीने का ये सेल और अर्निंग था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।